अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म मिशन मंगल को लेकर चर्चाओं में हैं। इसके साथ ही अक्षय के दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर फैंस की निगाह है और वो है उनकी फिल्म गुड न्यूज और लक्ष्मी बॉम्ब। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षय एक्शन के साथ साथ कॉमेडी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। भूल भुलैया जैसी फिल्म के बाद अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब भी काफी दिलचस्प होने वाली है। चलिए बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी तीन खास बातें। पहली बात, अक्षय का किरदार। अभय फिल्म अक्की की है तो उसमें उनका किरदार काफी मायने रखता है, लेकिन इस फिल्म में अक्षय का रोल लीक से हटकर होगा। अक्षय फिल्म के हीरो हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे फिल्म उनके आसपास ही घूमेंगी। आपको बता दें, इस फिल्म में अक्षय का किरदार उनकी बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग होने वाला है। जी हाँ, इस फिल्म में अक्षय अक्षय तो होंगे, लेकिन फिर भी अक्षय नहीं होंगे। चलिए, इससे पहले आप कंफ्यूज हो तो बता दें कि ये चक्कर क्या है। दरअसल इस फिल्म के किरदार में अक्षय के शरीर पर एक भूत का कब्जा होगा, लेकिन वो कब्जा किसी औरत या आदमी का नहीं है, बल्कि एक किन्नर का है। यानी जब अक्षय के ऊपर किन्नर का भूत होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षय की एक्टिंग और उनका लुक भी कैसा होगा। यानी कुल मिलाकर अक्षय का किरदार काफी दिलचस्प होने वाला है। दूसरी बात, फिल्म है साउथ की हिट। जैसे कि आजकल बॉलीवुड में रिमेक का दौर सा चल पड़ा है, और सबसे बड़ी बात कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करते हुए बढ़िया बिजनेस भी कर रही है। आपको बता दें, अक्षय की यह फिल्म तमिल की हॉरर फिल्म कंचना 2 का रिमेक है, जिसे बॉलीवुड में लक्ष्मी बॉम्ब का टाइटल दिया गया है। ये फिल्म साउथ में हिट हुई थी और कंचना का दूसरा पार्ट थी। ऐसे में जब इसमें बॉलीवुड का तड़का लगेगा तो फिल्म से उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म ड्रामे और फन से भरपूर होगी। यानी इसमें आपको ड्रामा, डर और कॉमेडी का ट्रिपल मजा आने वाला है। तीसरी बात, दमदार विलेन। अब जब फिल्म में दमदार एक्टर हैं, तो फिल्म से एक दमदार विलेन की उम्मीद तो बिल्कुल बनती है। लक्ष्मी बॉम्ब में नजर आने वाले विलेन की बात करें तो फिल्म में खतरनाक विलेन के रूप में बॉलीवुड एक्टर तरुण अरोड़ा को लिया गया है। अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब में तरुण अरोड़ा विलेन के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म में उनका किरदार नेगेटिव होगा। वैसे आपको बता दें कि डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने तरुण अरोड़ा के साथ कंचना 3 में भी काम किया था और ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद भी आई थी। वेल, आप लक्ष्मी बॉम्ब के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।